नमस्कार दर्शक तथा पाठक बंधुओं, एकलव्य मानव संदेश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ नोटिफिकेशन का बेल आ रहा है उसे क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्मचंद गांधी है। बोलिए, क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की अनेक समस्या है और हम लोगों को उनको जिताते हैं। योगेंद्र उपाध्याय यहाँ एक बार आए, उन्होंने मीटिंग की, उसमें मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं बाग मुजफ्फर का खटीक पाड़ा और तुम्हारे भड़ाम सभी को मैंने गोद लिया है। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपने जब गोद ले लिया तो यहाँ की जन समस्या उनको मैंने लिख के दी, बताया और उनसे ये भी अनुरोध किया कि देखो यहाँ की जन समस्या ज़्यादा नहीं है, लेटरिन बाथरूम और सफाई की आवश्यकता है। वो चीज़ उन्होंने हमें आश्वासन दिया। इस बात को करीबन एक साल से ज़्यादा हो गया हमारी सरकार को बने हुए, उपाध्याय जी करीबन एक साल से ज़्यादा विधायक बन गए, लेकिन आज तक हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी क्षेत्र में कभी भ्रमण करने नहीं आए, आए सिर्फ श्याम सुंदर और हमसे मिलके चले गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2019 में बीजेपी सरकार आ सकती है या नहीं? देखिए, वो हम उनको वोट देंगे जो हमारी जन समस्याओं को समाधान कराएगा, उनका निवारण कराएगा, उनका हमारी निपटारा कराएगा, हम उसके साथ रहेंगे। और अमरनाथ जी माहौर एक संघर्षशील यहाँ के व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको बुलाकर यहाँ की जन समस्याओं को अवगत कराया, लोगों को बताया यहाँ की जनता कितनी है, जिन्होंने आपको आज बताया है कि भैया नवन जैन ने एक बार दौरा किया, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं लेटरिन बाथरूम और सफाई का अभियान बहुत जल्दी तेजी से करूंगा। मैं गया पार्षद उनके पास पंकज माहौर के पास, उन्होंने कहा गांधी चिंता मत करो, मेरे 30 लेटरियों का मेरे पास एंटीमेटम आ गया है, मैंने एप्लीकेशन दी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं जल्दी से जल्दी यहाँ का, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ लेटरिन बनवाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोग चलो अनुवंचित थे, वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन जो लेटरिन टूटी पड़ी है उनका आज तक निवारण नहीं हुआ। बस मुझसे ये कह रहे थे कि भाई होगा होगा, लेकिन यहाँ की जनता आज त्राही त्राही कर रही है, परेशान है, निकलने में तकलीफ है, उनको जाने में तकलीफ है और इतनी तकलीफ है, उनसे बीमारियाँ हो रही हैं, गंदगी कितनी बड़ी है, लेकिन आज तक किसी को नहीं सुनाई पड़ा। क्या नाम आपका? अमरनाथ माहौर मेरा नाम है। मैं समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुका हूँ, बीजेपी से चुनाव लड़ा था मैंने, अब मैं जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा मैंने, और अभी जो मैंने सब पब्लिक को इकट्ठा किया है, आपको भी मैंने सूचना दी, केवल इसलिए कि हमारे यहाँ जो नाली की शील्ड निकली है, उसको शील्ड निकली तो है मगर ना कि बराबर निकली है, और जो शील्ड निकली है आज तक नहीं उठी है। और सिर्फ यहाँ पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है सोच के लिए, हाथे इतने गंदे पड़े हैं, यहाँ का सुपरवाइजर इंस्पेक्टर कोई काम नहीं करता है, सिर्फ बाबूजी बने घूमते रहते हैं, चार आदमी लगाते हैं, दो ठेले उठाते हैं। यहाँ का नया पार्षद है या मतलब बस्ती वाले पार्षद कुछ कही? यहाँ का जो पार्षद बना है वो ये कहता है कि जो सरकार ने कूड़ा उठाया सरकार उठाएगी, मेरा काम नहीं है। तो जनता ने वोट किस लिए दिए? जनता ने वोट दिया है, वोट दे करके जीत गया, कहता है कि भाई जनता ने वोट मुझे नहीं दिया है, यहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया है मुझको। जनता ने वोट नहीं दिया तो मैं क्या बेईमानी जीता? क्या मतलब बेईमानी से जीता है? बेईमानी से जीता है तभी, और नहीं तो कोली समाज ने वोट ही नहीं दिया उसको, कहता है वो खुद। और मेयर साहब भी आए थे नवीन जैन जी। इससे कूड़े को जो निकले शील्ड को कितने दिन हो गए? शील्ड को निकले हुए करीब दो महीने हो गए, दो महीने से ऊपर हो गए और आज तक शील्ड नहीं उठी गई है, और जिसमें लेबर लगती है, जो 8 लेबर बताते हैं, 4 लेबर को हमने देखा है, 4 लेबर काम करती है, 2 ठेले उठाते हैं केवल, और नहीं 2 ठेले वो भी भर के नहीं, आधे आधे ठेले जाते हैं, जिनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है। इधर हमारे क्षेत्र के लोग गंदे, उसमें बाथरूम गंदे जाते हैं, बाथरूम हमारा कितना गंदा पड़ा है, दो महीने से इसमें झाड़ू नहीं लगी है, और इसके लिए वो कहता है तुम लोग तो यार चाइना कर लेते हो। दूसरा मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अरे रुको यार, मीडिया के माध्यम से मैं सभी अधिकारियों को, DIG, IG, मुख्य नगर अधिकारी सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर है, जो काम करते हैं वो ठीक से काम नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ साफ सफाई का अभियान बड़ा खराब है, और जबकि मोदी जी कहते हैं कि खुले में शौच ना करें,
खुले में लेटरिन ना करें। हमारे यहाँ लोग नाले पे लेटरिन करने जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां नाले पे लेटरिन कर रही हैं, हमारे शौचालय बंद पड़े हुए हैं। एक शौचालय बनाया 5-7 लाख रुपए उसमें लगाए हैं, वो बन के तैयार हो चुका है लेकिन उसको चालू नहीं किया जा रहा है। और वो उसको ठीक नहीं किया जा रहा है, उसको चालू नहीं किया जा रहा। पब्लिक हमारी नाले पर सोच कर रही है, जिसके लिए हमारे क्षेत्र का पार्षद और अधिकारियों ला करके उनके चालान करा रहा है। चालान करो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन पहले सुविधा करो। मोदी जी कह रहे हैं कि शौचालय बनवाइए और ये करिए वो करिए, सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये मेयर साहब आए थे, मेयर साहब का भी कहना झूठा निकला है। ये भी सब हाई कास्ट में काम करा रहे हैं, बनिए बामन ब्राह्मणों में काम हो रहे हैं। ये कोली समाज और ये शेड्यूल कास्ट समाज है, ये गंदगी गंदगी में देखना चाहते हैं। ये लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग गंदगी में रहें और गंदगी में ही रहें और गंदगी में टट्टी करें। इनको परेशानी हो, ये हमारी पीड़ा को देख करके खुश होते हैं, ना कि ये हमारी पीड़ा को दूर कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ सफाई रखिए, क्षेत्र में सफाई रखिए, जो डिब्बे बनवा दिए हैं डिब्बे रखवा दिए हैं, या कोई कूड़ा उठाने नहीं आता है, या किसी तरह की कोई साफ सफाई नहीं है। मैं सभी प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि ये सील्ड जल्दी से जल्दी उठे, अगर ये नहीं उठती है, हम अभी एक दो परसों मुख्य नगर अधिकारी के पास जाएंगे इसको ज्ञापन देने के लिए। अगर उसके बाद नहीं होता है, एक एप्लीकेशन हम SHP को देंगे कि हमारे सील्ड नहीं उठ रही है, हम घेराव करेंगे। मुख्य नगर अधिकारी का इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारी समस्या का समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन हमारी परेशानी को दूर करे। नवीन जैन मेयर बन गए, पैसे वाले हैं, तो गरीबों की समस्या उनको दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दिखाई देगी। और भी मैं आपको मीडिया के माध्यम से सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, इन गरीबों की समस्या की जिम्मेदारी को आप समझें, इनकी समस्या का समाधान करें। और दूसरा, एक हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में 2000 व्यक्तियों का मोहल्ला है, हमारी महिलाएं राशन कार्ड के लिए परेशान हो रही हैं। राशन कार्ड वाला राशन फेंक देता है, राशन नहीं दे रहा है और राशन कम दे रहा है। इस बात पर भी हम इसका अधिकारी का घेराव करेंगे, शिकायत करेंगे एक दो दिन के अंदर ही। उसके बाद नहीं होता है तो फिर हम गुरु रूप रखेंगे। बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं हम और करेंगे। प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ, हमारी परेशानी का समाधान करें। बस इतनी बात कह करके मैं मीडिया के द्वारा अपनी समस्या को सब पहुंचाना चाहता हूं। मंदिर ले लो, मंदिर ले लो। मंदिर के इतना बनाए गए देखो। नाम क्या है आपका? सुकंतला। हाँ। बोलो क्या परेशानी है? देखो, एक तो जी पटली बहुत बुरी बनी है, ठीक है, बच्चे नारियल में गिर रहे हैं, ठीक है, बच्चन की बहुत वो आ रही है, ठीक है, परेशानी। अच्छा जी। और टट्टी की परेशानी है जाकर, और जी है हाथे गंदे कर दिया। अच्छा। क्या सफाई कर्मी आते नहीं है? कोई नहीं आता। आवती आपने शिकायत की थी? हमारे आंगन में कच जाएंगे और फिर चले जाएंगे। पार्षद जी, आप लोगों ने बनाया है? गए थे पार्षद के पास? पार्षद क्या कहते हैं? अगली बार इनको इसी को जिताएंगे, दूसरे जिताएंगे आप? जाएंगे।
और किसी से हमें ये कूड़ा नहीं उठ रहा है, क्या पब्लिक इकट्ठा करोगे यार आप, करो सवेरा करो, तुम्हारी इच्छा हो जिस दिन कर दो, हम फिर हो। और थोड़ा सा आगे ले लो, महेश भाई घर दिखा दो, महेश भाई घर, महेश भाई कौन सा पवाल अगलो है, गांधी हटना हटी हट को दिक्कत नहीं, मारता